क्षेत्रीय लोगों ने जलभराव की समस्याओं को लेकर लगाए नवीन जैन मुर्दाबाद के नारे। जहां एक ओर स्मार्ट सिटी आगरा की बात करी जाती तो वहीं दूसरी ओर पॉश कॉलोनी को छोड़कर आम जनता के घरों में पानी घुसा हुआ नजर आता है। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद से कहते हैं तो वह उच्च अधिकारियों से कहे जाने की बात करते हैं, अधिकारी के पास जाएं तो कहते हैं बजट ही नहीं है। पूरा मामला वार्ड नंबर 67 का है। लोगों ने बताया कि पिछले 4 साल से उनके घर के पास गंदगी का माल लगा हुआ है। नालियां और गटर का पानी उनके घरों में आता है, लेकिन न क्षेत्रीय विधायक झांकने को आते हैं, न ही कोई अधिकारी। नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, जैसे आप लोगों ने अभी नवीन जन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहाँ गंदगी का अंबार है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी? हम जी कहना चाहते हैं, 4 वर्ष हो गए से पानी में खड़े खड़े, हमारे बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान, और लेटरिन की व्यवस्था ना, नाली की व्यवस्था ना, नाली की व्यवस्था, तो पानी भरा रहता है, गटर का पानी भी नहीं निकलता है, पानी नहीं निकलता है। क्षेत्रीय पार्षद से आप लोग शिकायत करिए, एक ही बार गए वहाँ तो शिकायत करेगा, बार बार नहीं। पार्षद ने जी कही थी कि ऊपर जाके शिकायत करो, यहाँ शिकायत करो, वहाँ शिकायत करो, कागज लिखावटी करो, जी कही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई, ये 4 साल के बराबर जा रहे हैं हम। सर, आपका नाम क्या है? कौलेश्वर यादव। जैसे कि क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पार्षद ने भी कह दिया कि मतलब टेंडर के लिए बजट नहीं, पैसा नहीं है, इस पे क्या कहना है आप लोगों का? विधायक अभी क्षेत्र में आएंगे नहीं? एक और विधायक जीत के गया है, तब से एक बार विराम प्रताप नहीं आए, यहाँ नहीं आए, एक भी नहीं आए, केवल उनको वोट चाहिए, वोट चाहिए बस। 2022 का चुनाव भी आ रहा है फिर से, और ये इस तरह गंदी कंबा लगा, क्या कहना चाहते हैं? तो अगर हम लोग कोई काम नहीं करेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हाँ, जब हम लोग जो काम करेगा उसको वोट देंगे। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, जैसे कि यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नवीन जैन के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की समस्या ये है कि नाली साले पानी के आगे बढ़ने से नाली चौक हो रहा, गटर चौक हो रहा, मकान गिरने की संभावना है, बच्चे सब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, बच्चे गिर रहे हैं। ये समस्या सबसे बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। क्षेत्र के पार्षद से एक बार न, दो बार न, 4 बार भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज भी हम सुबह में गए थे 9 बजे जाने के बाद उन्होंने अनुशासन दिया, 2 दिन के बाद हम कुछ उसमें कार्य करेंगे। तो पार्षद से आपने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि बजट के बारे में कुछ लेकर बातचीत हुई थी? बजट के बारे में उनसे कोई बात नहीं हुआ है, बोले तो नाली का खरीदने का बंद किया, उसके बाद आप ही गली बोले इधर का टेंडर नहीं है, मेरे पास टेंडर नहीं है। हाँ, कब तक हो जाएगा उसकी जानकारी दी है? टेंडर उसको जानकारी नहीं, अभी तक संबोधन कर रहे हैं कि हम 2 दिन के बाद करवा देंगे, 3 दिन के बाद करवा देंगे, सुनवाई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। नगर निगम में आप लोग शिकायत करेंगे तो उच्च अधिकारी से, नगर आयुक्त, अपर नगर शिकायत करी आप लोगों ने? नगर निगम में नहीं गए हैं कोई, अभी पार्षद से मिले, पार्षद से मिले हैं। ठीक है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।